हेलो गाइस वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम लर्निंग चैनल चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और आइकन को दबाकर वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंड्स में दिस वीडियो इज रिलेटेड टू कन्वर्जन विच इज़ ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड मीन्स एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ board examination either CBSE or other state boards and also competitive exams like NEAT, IIT G others. So let's start conversion reactions. For learning of conversion uh, reactions, you have to understand primary reactions that were discussed in previous video related to aldehyde and ketone carboxylic acid. सो लेट्स स्टार्ट नाइट्रो कंपाउंड्स ऑन रिडक्शन गिव्स एमीन आइदर एल्किल नाइट्रो कंपाउंड और एरिल कंपाउंड नाइट्रो एल्कि जब टिन एस सी एल की प्रजेंस में या अदर मीडियम में हम रिडक्शन करेंगे तो हमें एल्किल एमीन मिलेगा वेन यू टेक एरिल नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रो ऐरिन ऑन रिडक्शन इट गिव्स एरिन एमिनो एरिन एनिलिन फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल नेक्स्ट में नाइट्रोमीथेन टू डाई मेथिल एमीन यानी नाइट्रो कंपाउंड आपको मिल रहा है तो आप कहेंगे सिंपल एमीन के लिए हम रिडक्शन कर देंगे बट इट इज सेकेंडरी एमीन यानी आपको नाइट्रोमीथेन लेकर एक और मेथिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोमीथेन को रिड्यूस कीजिए अमीनोमीथेन विल फॉर्म Next, on reaction of chloroform with KOH in presence of KOH, it converts into isocyanide, methyl isocyanide. When it means one extra carbon has introduced in nitromethane. Now, on reduction in presence of sodium and ethanol, this isocyanide reduces. टू गिव डाइमेल रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ एनिलिन टू बेंजोइक एसिड मीन आपको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है एनएच टू से सीओ एच लेकर आना है तो क्या करेंगे हम एनिलिन लेंगे एनिलिन की रिएक्शन डाइजोजेशन करेंगे डायजोजेशन से डाइजोनियम क्लोराइड और फिर उसमें कॉपर साइनाइड की रिएक्शन से साइनाइड ग्रुप आ जाएगा एन टू हट जाएगा नाइट्रोजन फॉर्म में निकल जाएगा सी एल हट जाएगा यहाँ साइनाइड फॉर्म हो जाएगा यानी वन सी एन ग्रुप हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ऑन इट्स हाइड्रोलिसिस साइनाइड के हाइड्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा सी ओ एच सो यूज इन दिस वे एनिलीन में कन्वर्ट इन टू बैनजोइक एसिड नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइ एसिड यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है एनओ टू को आपको सी ओ एच में कन्वर्ट करना है तो यहाँ आप नाइट्रो ग्रुप को लेंगे पहले आप यहाँ रिडक्शन करके एमिनो ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे फिर सेम प्रोसेस जो आपने लास्ट में किया है यानी एमीन फिर डाइजाइजेशन और फिर रिएक्शन विद कॉपर साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड सी एन ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना देन हाइड्रोलिस कन्वर्जन ऑफ सी एन टू सी ओ एच नेक्स्ट रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ एनिलिन टू क्लोरो आपको एन टू को सी में कन्वर्ट करना है यहाँ भी हम डाइजाइजेशन करेंगे एन टू विल कन्वर्ट इन टू एन टू सी एल ऑन सेंड माया रिएक्शन एन टू विल रिमूव एंड सी एल रिमेन्स दैट इज क्लोरोबेंजीन इट इज इजी ओनली टू स्टेप रिएक्शन नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ बेंजोइक एसिड टू एनिलीन यहाँ पर सी ओ एच को एन एच टू में कन्वर्ट करना है फॉर दिस रिएक्शन सी ओ एच इज ट्रीटेड विथ थाल क्लोराइड देन सी ओ सी एल बेंजोइल क्लोराइड बनेगा नेक्स्ट फर्दर रिएक्शन विद अमोनिया एमाइड बेंजामाइड फॉर्म्स एंड देन ब्रोमीन हाफमैन ब्रोमामाइड मेथड से रिएक्शन पर वन कार्बन एटम कम हो जाएगा एनिलीन फॉर्म होगा नेक्स्ट रिएक्शन इज कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड सी एल को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आप पहले इसे मैग्नीशियम से ट्रीट करेंगे ड्राई इथर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा क्योंकि यहाँ आपको क्लोरोबेंजीन दिया गया है अब फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिगनाड रिएजेंट को आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो एम अलग हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा बेंजोइक एसिड विल फॉर नेक्स्ट रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ एनेलिन टू टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो फ्लोरो बेंजीन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है सॉरी चेंज होगा एनेलिन की जगह फ्लोरीन आ जाएगा साथ में टू फोर सिक्स पर आपको ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करना है इसके लिए आप एनीलिन को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे

So, take ethanoic acid, reduce it as in an example using lithium aluminium hydride. Then, ethyl alcohol forms on reaction with phosphorus triiodide. Alkyl halide, ethyl iodide, forms then on reaction with potassium cyanide ethyl cyanide forms which on hydrolysis gave propionic acid and nitrogen is removed as nh3 so in this way ethanoic acid converts into propionic acid Reaction conversion of propanoic acid into ethanoic acid means one carbon is decreasing. Here we take propanoic acid and react with ammonia, then propanamide forms. On half bromamide bromomide reaction, ethylamine forms and one carbon atom has decreased. On reaction with nitrous acid, इथेनॉल फॉर्म्स विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स इथेनॉल एसिटेल डिहाइट विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स इथेनॉइ एसिड आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी होगी अगर यदि कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू